Assalamualaikum students, once again I'm here with the new topic, Do As Directed, at your page number 12. Page number 12 पे आपके पास हैं Do As Directed. सबने बुक्स अपने सामने रखी हैं और उसमें चेक करें कि हमें क्या करना है. जैसा बोला गया है वैसा करना है. Do As Directed का मतलब क्या होता है कि जैसा आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है वैसा आपको करना है. ओके, अब जैसा मैं आपको गाइड कर रही हूँ वैसा आपको करना है. ये पिछली एक्सरसाइजेस से रिलेट ही है क्योंकि अभी तक हम इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और अपने दिमाग में क्लियर कर रहे हैं. सबको क्लियर हो रहा है? हमने कैटरपिलर की एक्सरसाइज की. क्या सबने ऑड नंबर का कैटरपिलर बनाया? कैसा है, मज़ा आया ना इस प्रैक्टिस से? चले तो आज एक और मज़ेदार एक्सरसाइज करते हैं. डू एज डायरेक्टेड में सबसे पहला हमारे पास है राइट इवन नंबर्स बिटवीन 8 and 24. हमें बताया गया है, बोला गया है कि हमें इवन नंबर्स लिखने हैं 8 और 24 के दरमियान के. सबसे पहले दोबारा से रिव्यू करते हैं कि इवन नंबर्स थे कौन से. इवन नंबर्स वो हैं जो 2 से डिवाइड हो पाएँ, गुड, और 2 के टेबल में आएँ, और उनके वंस प्लेस पे यानी कि आखिरी वाली जगह पे कौन कौन से नंबर्स हों बताइए. 0, 2, 4, 6, 8, गुड. अगर ये नंबर्स इवन यानी कि आपके वंस वाली प्लेस पे होंगे उसका मतलब वो कंप्लीट नंबर इवन नंबर कहलाएगा और वो 2 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, और ऑड नंबर्स वो होंगे जिनमें ये 5 नंबर नहीं आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर्स, गुड. मुझे लगता है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है. सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. 8 और 24 के दरमियान इवन नंबर्स कौन से होंगे? हमें 8 के बाद इवन नंबर स्टार्ट करने हैं और 24 से पहले इवन नंबर को बंद कर देना है, ख़त्म कर देना है. जो रिक्वायर्ड है उतना ही लिखना है, पूरी काउंटिंग नहीं लिखनी. ठीक है, 8 के बाद इवन नंबर, 8 के बाद काउंटिंग में हमारे पास आता है 9, लेकिन 9 इवन नंबर नहीं है. मैंने आपको बताया ना 9 इवन नंबर नहीं है, तो 9 के 9 को कर देंगे हम स्किप और हमारे पास नंबर आ जाएगा 10. 10 के बाद हमारे पास 11 नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? 11 नंबर भी हमारे पास इवन नंबर नहीं है. 11 के बाद क्या आएगा? 12, गुड. और इस तरह से एक एक नंबर स्किप करते हुए 12 के बाद 13 स्किप करते हुए 14 इवन नंबर है. 14 के बाद 15 स्किप करते हुए छोड़ते हुए 15 के बाद 16 इवन नंबर है, गुड. देखते जाइए, और 16 के बाद 17 स्किप करके 18 इवन नंबर है. 18 के बाद 19 स्किप करके 20 इवन नंबर है. 20 के बाद 21 स्किप करके 22 इवन नंबर है, और 23 स्किप करके 24 तक हमें इवन नंबर लिखने थे. स्टॉप एंड एंड, हमें इससे आगे नहीं जाना. लेकिन इवन नंबर्स हैं आगे भी, लेकिन हमें आगे नहीं जाना, हमें यहाँ तक स्टॉप करना है एज डायरेक्टेड, जैसे बताया गया है. ठीक है, नंबर 2B पे राइट ऑड नंबर्स बिटवीन 34 to 56. 34 और 56 के दरमियान के ऑड नंबर्स लिखने हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते. और 2 के टेबल में ये 5 नंबर्स नहीं आते, कौन से? 1, 3, 5, 7 and 9. और ये जो 5 नंबर्स हैं अगर ये वंस प्लेस पे भी होंगे यानी कि आखिर वाली प्लेस वैल्यू पे भी होंगे, कोई भी नंबर हमारे पास हो उसमें प्लेस वंस प्लेस वैल्यू पे अगर इन 5 नंबर में से कोई भी होगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑड नंबर. और वो ऑड नंबर जो है वही हमें यहाँ पे मेंशन करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. 34 के बाद हमारे पास 35 ऑड है या इवन है? क्या ये 5 नंबर्स में से है? मैंने कौन कौन से नंबर्स बताए? रिपीट, 1, 3, 5, 7 एंड 9. यस, ये इनमें से है. सो
35 is odd number. We will start from 35. 36, it will be not. ये क्या है, कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, तो हम इसको स्किप कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है? 36 हम मेंशन नहीं करेंगे. 37, यस, इसमें 3 और 7 है. वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 7 नंबर है. इसका मतलब है हम ये ऑड नंबर में लिखेंगे. और 38, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 8 है, ये ऑड नंबर नहीं कहलाएगा, ये चूंकि टेबल में आ जाता है, आगे 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 जाके डिवाइड हो जाता है, ठीक है? तो हम ये मैं 38 नहीं लिखेंगे. 39 विल बी ऑड, 40 स्किप, 41 विल बी ऑड, 42 स्किप, 43 विल बी ऑड, 44 स्किप. इसी तरह से काउंटिंग करते 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 आप 56 पे पहुंच जाइए. लेकिन 56 इज़ नॉट ऑड नंबर, तो हम 56 नहीं लिखेंगे. 56 से पहले जो 55 आएगा, उसमें 5 है, वो ऑड नंबर है, तो हम वो मेंशन करेंगे. समझ आ रही है? सब ने अपनी शार्प पेंसिल से लिख लिया है, फिल द ब्लैंक्स कर ली हैं. वेरी गुड. सी पार्ट पे हम राइट इवन नंबर्स बिटवीन 33 एंड 47. 33 से 47 के दरमियान के इवन नंबर्स लिखने हैं. तो आपको ये क्लियर हो रहा है कि इवन और ऑड का क्या कॉन्सेप्ट है. और इसी तरह से थर्ड नंबर यानी कि सी पॉइंट और डी पॉइंट, दोनों पॉइंट्स आपको होमवर्क में दिए जाते हैं. और ये दोनों पॉइंट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे, इसी तरह से इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट को लेके. और जब टीचर आपको कॉल करेंगी, तो आप अपना होमवर्क उनको बताएंगे और अपनी एक्सप्लेनेशन समझाएंगे और रिव्यू देंगे कि आपको कैसा समझ आया, ठीक है? इसी के साथ हम फिर आगे मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.